नमस्कार, क्रांति ओडिशा में आपका स्वागत है। एक गांव में रामलाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह घर को रंगने का काम करता था। वह अपना काम बड़ी ईमानदारी और मेहनत से करता था। मेहनत करने के बाद भी बहुत कम कमा पाता था, जिससे कि उसकी केवल दो समय की रोटी का जुगाड़ ही होता था। वह ज्यादा काम करना चाहता था। एक दिन गाँव के जमींदार ने रामलाल को बुलाया। रामलाल जमींदार के पास गया। जमींदार ने कहा कि मेरे पास एक नाव है, तुमको उस पर रंग करना है और उसको रंग आज के दिन ही करना है। रामलाल ने जमींदार को बोला कि वह रंग कर देगा। जमींदार ने रामलाल से रंग करने का रेट पूछा तो रामलाल ने बोला कि वह रंग करने का 1500 रुपए लेगा। इसके बाद जमींदार ने रामलाल को नदी के किनारे खड़ी नाव दिखा दी। रामलाल अपने घर से रंग लाकर बड़ी सफाई के साथ उसमें रंग करने लगा। वह जब रंग कर रहा था तो उसको नाव में एक छेद नजर आया। उसने सोचा, यदि मैं इसके ऊपर केवल रंग कर दूंगा तो यह नाव डूब जाएगी, इसलिए पहले उसने उस छेद को भरा, फिर उस पर रंग किया। नाव के रंग का काम पूरा होने पर वह जमींदार को नाव दिखाने लाया। जमींदार ने नाव को देखने के बाद पैसे अगले दिन देने की बात की, जिसके बाद रामलाल चला गया। अगले दिन जमींदार के बीवी बच्चे उस नाव में बैठकर नदी के पार घूमने के लिए चले गए। शाम को जब जमींदार का नौकर लौटा तो उसने घर के बाकी सदस्यों को घर में न देखकर जमींदार से पूछा तो जमींदार ने बताया कि वह नाव में बैठकर नदी के पार घूमने गए हैं। नौकर ने जमींदार को बताया कि उस नाव में तो छेद था। जमींदार इस बात से बहुत परेशान हो गया। इसके कुछ देर के बाद ही जमींदार की बीवी और बच्चे घर सकुशल लौट आए। उनको पता चल चुका था कि रामलाल ने नाव में रंग करते समय उस छेद को भर दिया। इसके बाद जब रामलाल अपने पैसे लेने आया तो जमींदार ने उसको पैसे दिए। रामलाल ने गिने तो उसमें 6000 रुपए थे। रामलाल ने कहा, आपने गलती से मुझे ज्यादा रुपए दे दिए है। रामलाल ने कहा कि नहीं, यह तुम्हारे काम का इनाम है जो तुमने किया है। तुमने नाव में रंग करते समय जो छेद भरा था, उसकी वजह से मेरे परिवार की जान बच गई। रामलाल पैसे लेकर घर चला गया। वह बहुत खुश था। नैतिक शिक्षा। ईमानदारी और मेहनत से काम करने का नतीजा हमेशा अच्छा ही होता है।